रविवार की शाम को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को LNJP लाया गया था, तो कल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को LNJP में भर्ती कराया गया था, क्योंकि वो कई दिनों से अनशन पर बैठे थे। हालांकि आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। LNJP के जो MS हैं उनसे हम पूछेंगे कि आखिर डिस्चार्ज करते वक्त उन लोगों की हालत कैसी थी। सर, आज सुबह पता चला कि मनीष सिसोदिया जी को और सत्येंद्र जैन जी को आपकी तरफ से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस वक्त उनकी, जब आप लोगों ने डिस्चार्ज किया, क्या हालत थी? देखिए, ऑब्वियसली उनकी हालत में सुधार था, इसलिए हमने उनको डिस्चार्ज किया। जैन साहब की स्थिति बहुत नॉर्मल हो गई थी कल रात को ही। सिसोदिया साहब की आज सुबह जो हमने टेस्ट किए उसके हिसाब से उनके पैरामीटर्स बहुत नॉर्मल निकले, तो इसलिए हमने उन दोनों को ही डिस्चार्ज कर दिया है। और उनको हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो हमारी जो मेडिकेशन है और डाइट को जिस के अनुसार हमने उनको बताया उसका ख्याल रखेंगे और बहुत एग्जर्शन नहीं करेंगे। इस वक्त सर वो लिक्विड फूड भी ले रहे हैं या फिर सिर्फ, अभी जैसे कल आपने बताया था कोकोनट ही ले रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? क्या उनका भी जो अनशन है वो जारी है? क्या क्योंकि लिक्विड ले लेंगे तो अनशन टूट जाएगा? और सॉरी, वो फास्ट फूड ले देखिए, जो सिसोदिया साहब हैं उन्होंने सेमी सॉलिड एक्सेप्ट कर लिया था कल रात को। जैन साहब अभी लिक्विड डाइट पर ही चल रहे थे, तो हमने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप नॉर्मल डाइट की तरफ धीरे धीरे ही जाना होता है। जो इतनी लंबी भूख हड़ताल के बाद वापस जो आते हैं उनको एकदम से नॉर्मल फूड नहीं दिया जाता है, वो धीरे धीरे ही उनको एडेप्टेशन के हिसाब से दिया जाता है, तो वही हमने उनको एडवाइस किया। सर, सचिवालय में भी चार लोग पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हैं, आपकी टीम लगातार उनको मॉनिटरिंग करें, तो क्या कुछ आप लोगों को उनके साथ देखने को मिल रहा है? क्या उनको भी आप लोग जल्दी ही अस्पताल में एडमिट करने वाले हैं? देखिए, कल शाम को सचिवालय से हमको ऑर्डर प्राप्त हुए थे, एक स्पेशलिस्ट टीम की कॉन्स्टिट्यूशन फिर से की गई है। हमारे MLA और MP साहब जो सचिवालय में हैं उनमें से भी भूख हड़ताल पर हैं और उनमें भी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, तो इसके चलते हमारी लोकनायक हॉस्पिटल की टीम जो है, हमारे जनरल उनका जो चेकअप है वो कर रही है, और स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है वो अब जो है GB पंत के अंडर है, और अगर उनको तुरंत एडमिशन की ज़रूरत है तो वो GB पंत में ही एडमिट होंगे। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, तो क्या आज मॉर्निंग तक उनको शिफ्ट करने की उम्मीद है या शाम तक उनको शिफ्ट करने की उम्मीद? देखिए, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तो हमने उनको कल ही एडवाइस कर दिया था, और स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है हमारा अभी उनको देखने के लिए पहुँच रहा है। अर्जेंट एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है, अब जो सुबह चेकअप होगा उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा। शुक्रिया सर उनसे बात करने के लिए। तो ये थे GB पंत के LNJP के MS, जिनका कहना था कि जो सचिवालय में बैठे हैं MP और विधायक, उनको भी जल्द से जल्द अस्पताल में दाखिल कराने की ज़रूरत है। कैमरामैन अतुल के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़ दिल्ली।